तो स्टूडेंट्स टुडे विल बी डूइंग द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स राइट, यूज ऑफ डेसिमल्स इन कन्वर्जन। तो बच्चों सबसे पहले हम कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, व्हेन वी से 1 किलोग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम स्टूडेंट्स? थाउजेंड 1000 ग्राम। राइट, नाउ इफ इट इज गिवन देन वेट इज 3 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू डेसिमल फॉर्म? 3 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट? आई थिंक सम स्टूडेंट्स सेक्शन ए प्लीज स्विच ऑन योर माइक। देयर आर सम अदर स्टूडेंट जॉइनिंग फ्रॉम सेक्शन डी एंड ई सेक्शन। तो वी हैव सेक्शन डी आल्सो प्रेजेंट नाउ। सेक्शन डी इज ऑल्सो देयर। सी एंड ई राइट। तो बच्चों वी हैव 3 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म राइट? क्लियर? देखिए बच्चों एक तो ये क्या होता है कि आप इसको सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें राइट। We know that 1 किलोग्राम is equal to 1000 grams, so 3 किलोग्राम will be equal to 2000 plus 500. So this becomes 3000 plus 500. That is how many grams? 2500 grams. Now how we can convert into decimals? We have to represent it into kilograms. How we can convert into? Divided by 1000. Very good. Divide this by 1000. So this will become 3.500. Right? So how much it become? 3.5 kilograms. Is this clear to all? Yeah. Now, suppose you convert 7 kilograms 40 grams. Please convert into decimal form. 7 kilograms. बच्चों और जिससे आंसर पूछा जाएगा वो ही आंसर करेगा। तो बच्चों सेवन किलोग्राम 40 ग्राम प्लीज कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। नो टॉकिंग स्टूडेंट्स, अपना अपना काम कीजिए बच्चों। सेवन किलोग्राम 40 ग्राम, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी तो आवाज आ रही थी करने, ये दो लोगों ने किया सिर्फ। सेक्शन एफ और सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स भी कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा, बाकी बच्चे भी। 7 किलोग्राम 40 ग्राम, सेवन किलोग्राम
हाँ जी वरुण दी फ्रॉम सेक्शन ए, वरुण दी। वरुण दी फ्रॉम सेक्शन ए प्लीज कम। ओके प्रशांत फ्रॉम सेक्शन बी, प्रशांत प्लीज कम फॉरवर्ड। सर ही इज नॉट प्रेजेंट। सर ही इज नॉट प्रेजेंट। ओके देन प्रापदीप फ्रॉम सेक्शन बी, इज प्रापदीप देयर। ओके ही इज ऑल्सो नॉट देयर। मनन, सो एब्सेंट। मनन भी एब्सेंट है। वेरी गुड। ओके हाँ जी सिमरप्रीत, सिमरनप्रीत फ्रॉम सेक्शन सी, सिमरनप्रीत, सिमरनप्रीत फ्रॉम सेक्शन सी। She is also absent. स्टूडेंट एब्सेंट। बलवीर फ्रॉम सेक्शन सी, ऑल्सो टीचर प्लीज शेयर ऑल दी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, टीचर प्रेजेंट इन सेक्शन बी एंड सी, टीचर प्रेजेंट इन सेक्शन बी, प्लीज चेक मैम, मैम कैन यू हियर मी, टीचर इन सेक्शन सिक्स बी। यस सर। मैम प्लीज चेक वेदर प्रशांत प्रापदीप एंड मनन ऑल आर एब्सेंट यस सर। एंड सेक्शन सी में मैम सिमरप्रीत मनवीर। सर वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए गए हैं। ओके मैम राइट राइट स्टूडेंट। गुरलीन फ्रॉम सेक्शन डी, गुरलीन इज देयर। चलिए कौन बताएगा बेटा फिर ये। हाँ जी 7 किलोग्राम 40 ग्राम। हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट 7 किलोग्राम 40 ग्राम इन डेसिमल फॉर्म। सर हाँ जी बताइए बेटा सेक्शन ए से बताइए स्टूडेंट, सेक्शन ए, सेक्शन एफ से। हाँ जी आप बताइए बेटा फ्रंट बैक से स्टूडेंट है जो हैंड रेज किया सेक्शन एफ से, सेंटर वाली लाइन से। हाँ जी हाँ जी आपको ही बोल रहा हूँ मैं बेटा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा प्लीज टेल मी हाउ टू कन्वर्ट 7 किलोग्राम 40 ग्राम्स। सर फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1000। सेवन मल्टीप्लाई बाय 1000 यस इट इज 7000।5, सर कैन बी प्लस 40। 7000 प्लस 40, यस हाउ मच इट बिकम्स, फाइव सर 70 4 7040। नाउ सर देन वी डिवाइड बाय सर 1000 से डिवाइड करना है बेटा। सर यस एक जीरो कैंसिल हो गई और 2 0 से डेसिमल आ गया बेटा यहाँ पे, तो यस कम 7.04 सर यस केजी राइट। सर यस प्लीज सिट डाउन। तो बेटा ये तो हो गया आपका वेट का, किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी कम टू द यूनिट ऑफ लेंथ, क्या होती है मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है बेटा, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अब यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों,
सपोज यू हैव 5 मीटर 3 सेंटीमीटर, हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सेम मेथड, 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 प्लस 2 सेंटीमीटर, राइट बच्चों? तो ये कितना बन गया बेटा, 500 प्लस, एंड इट इज इक्वल टू 503 सेंटीमीटर। अब डेसिमल लगाना है इसमें, 503 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड किया, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा बच्चों? 5.03 सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा बच्चों, ठीक है? इट्स क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। 12 सेंटीमीटर डेसिमल लगा के बताइए मुझे जरा। प्लीज पुट द डेसिमल इनटू 8 मीटर 12 सेंटीमीटर। Turn on. 8.12 सेंटीमीटर। मीटर आएगा बच्चों, ठीक है? दिस इज क्लियर? उसके बाद आता है बेटा लीटर में कन्वर्जन। 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है? मिलीलीटर आर देयर इन 1 लीटर? तो अगेन प्लीज कन्वर्ट 7 लीटर 40 मिलीलीटर इनटू डेसिमल फॉर्म। प्लीज डू इट बच्चों। 7 लीटर 30 मिलीलीटर। बच्चों हो गया? यस सर, यस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड। ओनली 4-5 स्टूडेंट, बाकी लोग जल्दी से कीजिए। तो 7.030 लीटर। 7.030 लीटर, वेरी गुड बच्चों। तो सबको क्लियर है बेटा ये कन्वर्जन, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आगे यूज हो रही है, राइट? बच्चों अपनी असाइनमेंट निकालिए जरा। प्लीज ओपन योर असाइनमेंट्स। We are supposed to do the case study. Yes. No noise, no noise, no talking. अजी बच्चों, what is our case study? In a well filled with water, right? 184.053 liters are removed. देखिए बेटा, एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारे पास एक वेल है, राइट? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज वेल? सर सिलेंड्रिकल शेप। बेटा वेल जो होता है क्या होता है, यू नो व्हाट इज अ वेल? सर ये क्या होता है बेटा?
कुआं। कुआं, वेरी गुड, खूब। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन क्या है बेटा, इन दिस वॉटर इज फिल्ड। ठीक है, इसमें वॉटर फिल्ड है बेटा। वी हैव डन, सबसे पहले क्या किया, 184.053 लीटर हमने रिमूव कर दिया, मीन्स यहां से लेके लेट से इतना पार्ट रिमूव कर दिया, मतलब पानी निकाल लिया, 184.0। इज क्लियर बच्चों? ठीक सही है सर। है, फॉलोड बाय 28.75 लीटर। इसके बाद हमने सेकंड टाइम निकाला वाटर कितना, 28.75। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? और यस थर्ड टाइम में हमने निकाला एंड फाइनली 84 पॉइंट, थर्ड टाइम में कितना वाटर निकाला, 84.25। सही एंड दीज विड्रॉल, आफ्टर दीज विड्रॉल देर आर 160.534 लीटर इन द वेल। अब बच्चे जो ये बच गया ना पानी, ये कितना बचा है, 160.534 लीटर। इज क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों यस को? नाउ किसी को डाउट है तो बेटा प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन। देखिए मैंने सारे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टोटल वाटर जो था वो उसमें से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विड्रॉल 184.053 लीटर, आफ्टर दैट 28.75 लीटर, देन 84.25 लीटर, द लेफ्ट ओवर वाटर इज 160.534 लीटर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस, How much total water has been removed from the well? Now what we'll do? How much total water has been removed? So what is the water we have removed? जो मैं बेटा सर्कल कर रहा हूँ ये वाला सारा, this and this. So to find out the total water, what we'll do? सर Will total water रिमूव हाउ मच, 184.053 लीटर। सी व्हेनेवर नाउ वी विल हैव टू ऐड दीज थ्री नंबर्स बच्चों, ये तीनों नंबर्स हमें ऐड करने हैं एंड ऑल थ्री आर इन डेसिमल। प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीवन, लीव योर पेन एंड नोटबुक असाइड, नोबडी शुड राइट एनीथिंग, आई कैन सी सम ऑफ द स्टूडेंट स्टिल लुकिंग एट द नोटबुक। अपना पेन और नोटबुक साइड रख दो सारे लोग, प्लीज लुक एट द बोर्ड ओनली, आई कैन स्टिल मेक अप सम ऑफ द स्टूडेंट स्टिल। सेक्शन एफ फ्रंट बेंच, एवरीबडी शुड लुक एट द बोर्ड नाउ। तो स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द डेसिमल, व्हाट यू हैव टू डू, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए बच्चे। जैसे फर्स्ट टर्म की इज देयर 184.053 लीटर, नेक्स्ट टर्म इज 28.75, मीन्स डेसिमल विल बी देयर, द टर्म्स लेफ्ट ऑफ डेसिमल विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड टर्म्स राइट ऑफ द डेसिमल शुड बी ऑन द राइट साइड, एंड देन द थर्ड अमाउंट इज, तो दिस मच वॉटर वॉज रिमूव, तो प्लीज एड दीज थ्री नंबर्स, थ्री डेसिमल नंबर प्लीज एड बच्चों, प्लीज एड दीज थ्री नंबर्स। नाउ यू कैन सी हेयर इट इज 0.53 एंड हेयर इज 0.75, तो वेन एवर यू पुट सम जीरोज आफ्टर द डेसिमल्स दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस, तो यू कैन राइट 0.750 एंड 250। नाउ यू कैन इजीली ऐड दीज टू थ्री नंबर, प्लीज ऐड दीज स्टूडेंट्स।
सर 297.053 इज द आंसर। ओके बच्चे, जब भी आप करो ना तो ये बोलो कि आई हैव डन इट, नो नीड टू टेल द आंसर। जब आपसे पूछा जाए आंसर है तो तभी आपने आंसर को रिस्पॉन्ड करना है। इज इट क्लियर, यस और नो? जो बाकी लोग कर रहे होते हैं ना बेटा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर डॉन वेरी गुड बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए, 1 मिनट और लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, थाउजेंड। बच्चे आपको पता होना चाहिए सारा, ठीक है? तो आपने 1000 प्लेस वाली टर्म ऐड की, 3 प्लस 0 प्लस 0 3, 5 प्लस 5 प्लस 5 कैरी किया, तो हाउ मच इट इज, अगेन 1 कैरी किया, 5, 18, 35, सेवेंटीन सब वन कैरी सर नाइनटीन नाइनटीन तो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 297.05 liters। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमूव एंड क्वांटिटी लेफ्ट। दिस इज द क्वांटिटी वाटर रिमूव, राइट, दिस इज वाटर लेफ्ट, राइट बच्चों? तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज अ ग्रेटर वन, दिस इज अ स्मॉलर वन। सब्ट्रैक्ट 160.534 फ्रॉम 297.053, प्लीज डू इट बच्चों। प्लीज सब्ट्रैक्ट इट, डन 160.534। हाँ जी, कितने बच्चों ने कर लिया? बच्चे हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? डन प्लीज रेज योर हैंड जिन बच्चों ने कर लिया। बस तो बच्चों ने किया, तो चलिए स्टूडेंट 6F, सेक्शन 6F, सेंटर वाली लाइन में लास्ट में जो दो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, राइट, दो गर्ल स्टूडेंट में से लेफ्ट वाली स्टूडेंट आ गए। 6F लास्ट बैंड सेंटर लाइन लेफ्ट साइड स्टूडेंट प्लीज कम। हाँ जी बेटा, बताइए जरा कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, हाउ टू सब्ट्रैक्ट दिस, आंसर भी मैंने पूछा है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। पे लो फर्स्ट वी विल राइट 297.053 एंड बिल एंड एंड बिलो 2 1 विल कम एंड बिलो 9 6 विल कम बिलो सेवन है वो लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन मी हाउ टू सब्ट्रैक्ट। सर फर्स्ट वी विल कैरी ओवर वन फर्स्ट वी विल कट 3 एंड देन राइट 13 राइट, सर देन व्हेन वी विल सबट्रैक्ट 4 9 विल कम वेरी गुड, सर एंड देन फ्रॉम 4 वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 एंड द आंसर विल बी 1 वेरी गुड, सर वेरी एंड देन फ्रॉम 7 वी हैव टू कैरी ओवर 1 फ्रॉम 0 एंड देन व्हेन वी सबट्रैक्टेड इट विल बी 5 एंड देन
when from 7 will become 6, and from 6 if we subtract 0, 6 will come, and then we from 9 we will subtract 6, so 3 will come, and from 2 we will subtract 1, so 1 will come. Very good beta, please sit down. Right students, so two part we have done. Now come to the third part. How much water did the well originally have? Now what we will have to do here? How much water did Addition. Addition of 297 and 160. Yes, we have to add total water removed and total water left. So we have to add now these two numbers. Right, bacho? So please do it. Done. Now you have to add 297.053 Please add these two numbers. Sudden. How many of you have done? Sudden. Very few students. Section D. Section D. सबसे जो लेफ्ट रो है ना बेटा, लेफ्ट रो में थर्ड बेंच में आ जाइए बच्चे. हाँ जी, दो बच्चे बैठे ना, एक सरदार जी और उसके साथ वाला बच्चा, वो आ जाए. जल्दी आ जाओ जल्दी. यस यस यस, आ जाओ बेटा. हाँ जी बच्चे, ऐड कर लिया आपने? सर यस. बताइए बेटा क्या ऐड किया? 457.587 आंसर आया. 400 400 सर 457.587. वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन. इफ टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेल इज 1000 लीटर and no water is removed from well, how much more water can be added to completely fill the well? हाँ जी बच्चों, क्या करना है यहाँ पे हमें, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट पार्ट? यस, नोबडी विल टेल, किसी को नहीं समझ आएगा क्वेश्चन. देखिए बेटा क्या करना है. सो सबट्रैक्शन. ये देखिए बच्चों, ये वेल है, ये वाला जो वाटर था हमारे पास, टोटल वाटर था, वी हैव रिमूव दिस मच वाटर, राइट, एंड दिस वाज लेफ्ट ओवर. इज इट क्लियर? यस और नो? सर यस. Now what he says, the total capacity of the well is 1000 liter, right? If no water is removed, no water is removed means well has this much water, this all water is there in the well. Now how much more water we need to add? More water need to add to completely fill it. So total capacity is 1000 liter and this much is the total water present. So then what we have to do? We have to subtract this number from 1000. Subtract from 1000. Right? So please do it, bacho. हाँ जी बच्चों, कितना आ गया?
1000 में से व्हाट यू हैव टू सबट्रैक्ट? 297.053। 497। व्हाई? 1000 में से व्हाट यू हैव टू सबट्रैक्ट बच्चों? 4 कितना था? 457 कितना आया टोटल? व्हाट वाज द नंबर? प्लीज टेल मी बच्चे, टोटल ऐड करके कितना नंबर आया था? नोबडी विल टेल मी नाउ व्हाट वाज दिस नंबर व्हेन वी हैव एडेड 297 एंड 160 पॉइंट, हाउ मच इट वाज? सर 457.587। 587। दिस नंबर आया था। क्या ट्रैक दिस? हाउ मच इट हैज कम? सर 542.41413। 4 1 3। राइट, सो व्हाट विल बी हियर? 542.41। राइट बच्चों, सबका आ गया आंसर। सर यस तो दिस मच वाटर वी नीड टू ऐड इन द वेल टू कंप्लीटली फिल इट, इज दिस क्लियर? यस और नो? यस डाउट है बेटा तो प्लीज टेल मी। एनीवन, एनी डाउट? चलिए हाँ बोलो, और कुछ पूछना है क्वेश्चन बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एमसीक्यूज ऑफ मॉड्यूल टू, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्यूज यस मी सर, मुझे समझ नहीं आया इसे सबट्रैक्ट कैसे करना है। सर ये जो लिखा हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन भी समझ आया या सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है वो भी समझ आया? ठीक सबट्रैक्शन कैसे करनी है ये नहीं समझ आया। है बेटा, यहाँ पे जो है 0 0 है, यहाँ पे 587 राइट, यहाँ पे ना कैरी करेंगे 1। पहले क्या किया, यहाँ 1 कैरी किया, यहाँ उसके लिए यहाँ पे 999 हो गया बेटा, तो यहाँ पे भी आपको कैरी करना है, तो दिस विल बी 9। क्लियर? ये पार्ट समझ आया नहीं आया बेटा? देखिए बेटा कैसे कैरी करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए 0 जो है वो 7 से स्मॉलर है, 0 7 से स्मॉलर है बेटा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, आपको समझ आ रहा है बेटा? व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन? सर सॉरी माइक ऑफ था। 0 इज स्मॉलर देन 7, तो वी हैव टेक 0 ग्रेटर सो दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द 0। सो व्हाट वी हैव टेकन 1 कैरी फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बिकम 9, सो 7 10 माइनस 7 विल बी 3, 9 माइनस 8 विल बी 1, 9 माइनस 5 विल बी 4। इज दिस क्लियर और नॉट? यस। नाउ 9 माइनस 7 विल बी 9 माइनस 7 विल बी 2, 9 माइनस 5 4 एंड 9 माइनस 4 5। देखिए बेटा कैसे होता है, यहाँ पे आपके पास था 1000.000, अब ये 0 0 हो गए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अगर आप 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? 1000 से वन सर 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल बी द आंसर? ट्रिपल 9। 999 ना। तो जब आप कैरी कर रहे हैं बेटा 1, तो इट विल बिकम 999 राइट, और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? 1 मोर, मींस 999, और ये हो गया 1000। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जाएगी ना लास्ट टर्म बेटा। क्लियर और नॉट? करेक्ट थिंग, बट टू एक्सप्लेन यू आई एम राइटिंग दिस बेटा। यहाँ से अगर आपके पास 10 आ रहा है, तो अगर आप 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 9 विल बी 10, अगेन इट विल बी 1000। क्लियर बच्चों? अभी आपको समझ आ गया बेटा कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है? चल आगे चलते हैं जी। यस
हाँ जी, एमसीक्यू वन पे चलते हैं बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच मेक्स द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू। एक्सप्रेशन क्या गिवन है बेटा? 12.5 प्लस 5.2 एंड इन बिटवीन इज द बच्चों, देर आर फोर टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड फोर टर्म्स ऑन द राइट साइड। साइलेंट। बस वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट साइड एंड देन द राइट साइड। अब वो क्या हो सकते हैं बेटा? इक्वल हो सकते हैं, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। तो नो टॉकिंग, चारों टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए। When you will add, how much it becomes? चारों को ऐड कीजिए बच्चों। Please add all these four terms. How much it becomes? 35.45। Just a moment. थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव आ गया बेटा। यस क्लियर। आ रहे हो राइट साइड पे बेटा। राइट साइड वी हैव थ्री टर्म्स विच आर पॉजिटिव एंड वन टर्म इज नेगेटिव। सो व्हाट वी डू, विल ऐड द पॉजिटिव टर्म और राइट। बच्चों व्हाट विल बी द आंसर फॉर एडिंग दीज थ्री टर्म्स? 8.9 8.9 8.9। सो नाउ सी, यू आर डूइंग एमसीक्यू, आपको आंसर ये पता चल जाएगा बेटा। तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, अभी तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो व्हाट विल बी द आंसर? लेफ्ट साइड इज ग्रेटर, यस और नो? समझ में आया बेटा? सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो यू कैन डू इट। तो दिस विल बी 0 1 2। So 22.10 is, yes. So then 35.45. Right, bachcho? Yes. Is this clear? Chaliye, please do the sixth question nikal. Please try sixth question. 22.10. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर फास्ट फूड काउंटर्स कलेक्टेड रुपीज 257.75, रुपीज 205, रुपीज 187.5 एंड रुपीज 162.25 ड्यूरिंग ए समर पेट। एक पता है आपको क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेट? Anybody knows what is the meaning of it? अच्छा, स्कूल में जो आपका एग्जीबिशन या कोई मेला वगैरह लगता है ना, उसको बोलते हैं पहले, राइट? जिसमें स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, तो दैट इज द फेट, राइट? एंड देयर आर फोर स्टॉल्स इन दैट। फर्स्ट वन इज कलेक्टेड 257.75, नेक्स्ट वन कलेक्टेड 205, बेटा फोर स्टॉक थे, फोर ने डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन किया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन?
वाज देयर टोटल कलेक्शन राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड ऑल द फोर एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू ऐड ऑल दिस फोर राइट बच्चों. सर यस इतना है इनको ऐड करके आई जीरो डन. ₹830 आ गया बेटा. यस हमने कुछ कम कुछ रह गए. अच्छा ये पॉइंट ओके 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 ये 205 है बेटा. 0.00 है जस्ट टू ये 50 पैसे का डिफरेंस आया ना. ये क्यों ऐसा आया 0.00 812.50 आ गया राइट. ठीक है तो यहाँ पे 812.50 वाली एक ही ऑप्शन है. आप चाहे तो आंसर यहीं से टिक कर सकते हो बट सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द सेकंड पार्ट द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस 162.055. ये आ रहा है बेटा डिफरेंस. तो आंसर विल बी ए ऑप्शन राइट. क्लियर है बच्चों सबको. यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नदिता ट्रैवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे. नाउ आपके कन्वर्जन वाला टॉपिक आ गया बेटा. 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे. आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस. दिस इज टोटल दिस इज बाय बस एंड रिमेनिंग बाय ऑटो. यू हैव टू फाइंड हाउ मच शी ट्रैवल बाय ऑटो राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स. नाउ व्हाट वी कैन राइट फॉर 20 किलोमीटर 50 मीटर. बच्चों कौन बताएगा. Who will tell me how to write 20 kilometer 50 meter in decimal form? Section B. Front back पे 3 student बैठे हैं. Center वाला बच्चा आ गया. Section D. Left side वाली row में. E. Section B. Section B. सेकंड बेंच पे बैठा 3 बच्चे बैठे हुए हैं. आ जाओ जरा आप आगे. द बी सेक्शन. सेक्शन बी बेटा बी. सेकंड बेंच पे आ जाओ जरा खड़े हो जाओ आप. हाँ जी सर. यस हाँ जी बेटा. हाउ टू कन्वर्ट 20 किलोमीटर 50 मीटर इनटू डेसिमल फॉर्म. 20 किलोमीटर लिखा है. 20 किलोमीटर 50 मीटर कन्वर्ट सर. डेसिमल में कौन सा किलोमीटर और मीटर बेटा किसमें होगा आप ये बताओ. मीटर में होगा डेसिमल सर. किलोमीटर में फिर बताओ जरा. सर 2.050 किलोमीटर. 2.050 किलोमीटर पॉइंट सर. यस 20 किलोमीटर को 2 किलोमीटर बना दोगे आप. नो 2.050 किलोमीटर. पॉइंट
जीरो 0.50 किलोमीटर. बेटा दिस इज रॉन्ग. किलोमीटर है 20.050 राइट. ओके डाउन यू हैव टू सबट्रैक्ट एंड देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑटो. प्लीज सबट्रैक्टेड प्लीज सबट्रैक्ट बच्चों. हैव यू डन सेक्शन डी. डी में बेटा दो स्टूडेंट बैठे हैं. हैव यू डन. आपको अच्छे से आप लोग ओनली वन स्टूडेंट हुआ डन. सर 9.850 किलोमीटर. 9.85. स्टार्टेड.